नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने का एक दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं ये लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है, बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आएगी, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं। आगे राहुल गांधी ने बागी विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा ने पैसे से अपनी सरकार बनाई। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पर बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है।